भगवान जी को पूजा करते हैं एक ही रूम में, देखो इतना चीज एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। वो एक गरीब बेटी को अच्छे से आता है करना। यही जो चटाई और गंदरा है उसी पे हम लोग सोते हैं। और यहाँ पर हमारे प्यारा सा एक छोटा, यही हमारा एक छोटा सा कुटिया है। और यहाँ यही रूम में देखिए मैं कैसे कैसे एडजस्ट। तो रोने लगी है, देखिए अब मारने आ रही है क्या? आ तेरी मार दिया। हाँ क्या ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग। दोस्तों देखिए निशा जी कपड़ा पसार के दुल्हन एकदम बन गई है और पार्क में भी धूप का मजा ले रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है दोस्तों निशा संजीत ब्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, तभी नहा धो के हम लोग दोस्तों देखिए पार्क में बैठे हुए हैं। देखिए अदिति बिटिया रानी भी है, ये देखिए दीति, ये देखिए आदि बाबू नहीं नहाया है, देखिए चुप रहा है। नहीं नहाया ना, तुम ठंडा बेटा अभी मत नहलाओ। तो हम नहा लिए, निशा जी भी नहा के भी आएगी दोस्तों। चलिए अभी मिलाते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू कर लिया। कपड़ा कहाँ? कपड़ा बाल्टी में, एक बाल्टी में। ठंडा लग रहा है कि नहीं? शेरनी है, अभी खाना भी बनाना है, कपड़ा ढाल दिलाएगी। चलो ठीक है, पसार लो। दोस्तों देखिए निशा जी कपड़ा पसार के दुल्हन एकदम बन गई है और पार्क में भी धूप का मजा ले रही है, आनंद ले रही है, आनंद ले रही है। और अदिति क्या कर रही है? अदिति बाल्टी लेके कहाँ जाने वाली? कहाँ जा रही है अदिति? वो उधर देख, कहाँ जा रही है? वो लोग काम बिगाड़ रहे हैं, थोड़ा काम। ये देखिए इसी बाल्टी में कपड़ा लेके आई थी ना, एक बाल्टी कपड़ा धोई और दादा घर पे भी पसार। हाँ एक बाल्टी कपड़ा धोई, एक बाल्टी। खाना तो भी नहीं बना होगा, 12 बज गया। 12 नहीं बजा, तब 11 बजा होगा। तो बनेगा ना, जा रही बनाने। ऐसे भी कहो तो आप सवेरे बनाकर खा लेते। एक दिन पता है दोस्तों क्या, आप उस दिन ब्लॉग नहीं डाली, मैं 5 बजे उठकर खाना बनाई, सारा काम की, नहा धोआ कर पूरा एकदम रेडी हो गई। और ये 6 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे आए घर। काम था इसलिए ना, पापा को दिखाने गया था हॉस्पिटल। इसीलिए अब मैं नहीं करूंगी, अब 12 बजे खाना बनाऊंगी, 1 बजे खाऊंगी। ये देखिए दे, ड्राइविंग सीख रहा है ना बेटा, ड्राइवर बनेगा रे। हाँ। कौन सा ड्राइवर बनेगा? गाड़ी देखिए चला रहा है दोस्तों, गाड़ी में बैठा हुआ है, चैंपियन है दोस्तों ये, इस तरह का दिल्ली का एक चैंपियन बोलते हैं इसको ना रे। तुम क्या कर रहा, उसको मारेगा अंकल? दादा लगता है, तेरे दादा की गाड़ी है। दोस्तों देखिए बिटिया रानी भी खाना बनाने गई है, एकदम पूरा एकदम गरम गरम, आग जल भी रहा है दोस्तों। देखिए क्या कर रही हो, क्या ट्रेनिंग दे रही है? ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ तो खुद ऐसे कर रही है, डर लग रहा है जलेगा। ये देख कैसे कर रही है, भाई से ही खाना बनाने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। ये देखिए, ए अदिति और पापा क्या हो रहा, ये देखिए दोस्तों अपने से पकड़ रही है। क्या हो रहा रे अदिति? हाँ ये देखिए दोस्तों, उसको हटा दिया ना उसके खाना बनाने से, तो रोने लगी है। देखिए अब मारने आ रही है क्या? आज तेरी मार दिया मार दिया बहुत गुस्से वाली हो गई है दोस्तों। देखिए देखिए फिर आ गई है, देखिए फिर अभी आ गई है, चोलनी चला रही है। देखिए ये देखिए, रे दीदी हट जा, जो हट जाएगी बेटी। ये देखिए कह रही नहीं मैं बना के ही आज दम लूंगा, आज ना आज बना के ही दम लेगा ना। ये देखिए दोनों हाथ से चला रहा है। यही हमारा एक छोटा सा कुटिया है। और यहाँ यही रूम में देखिए मैं कैसे कैसे एडजस्ट की, इधर बर्तन पहले सरिया रखी हूँ और ऊपर में देखिए गैस पंखा लगा हुआ है, पर ये क्या झाप दी ठंड की वजह से ना जी। और ऊपर में एक छोटा सा छज्जा है, देखिए इधर आके छज्जा उसी में टूटा फूटा एक पेटी रखा हुआ है, एक इधर छज्जा है। और ये मछली अपने हाथ से हुआ, देखिए दोस्तों लकड़ी का रस्सी बांध बनाई
जो कि इसमें मैं मसाला वसाला को रख देती हूँ। और ये नीचे देखिए कितना गीला हो रहा था ठंड में, आप लोग यही नहाना यही सोना। और दोस्तों खाली शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ये नल लगा हुआ है, यही नल से पानी आता है, मोटर पानी चालू करना पड़ता है दोस्तों, तो पानी आ जाता है आराम से, पर कभी कभी भाग भी जाता है, 2-3-4 दिन 5 दिन पानी का बहुत किल्लत है। चुप चुप। और देखिए दोस्तों ये हमारा गैस रखा है यहाँ पर, ये थोड़ा बहुत जो भी बर्तन सामान रखा हुआ है। इधर हमारा जो कि छोटा सा बिस्तर है, चटाई, और देखिए दोस्तों चटाई और गिंदरा ले बस, यही जो चटाई और गिंदरा है उसी पे हम लोग सोते हैं। और यहाँ पर हमारा प्यारा सा एक छोटू नन्ना सा देखिए दोस्तों भगवान जी को प्रणाम करते हैं दूर से। और इधर दीदी को स्थान दे रखे हैं दोस्तों, क्योंकि दीदी इस बार बिहार गए थे ना हमारे हस्बैंड जी, तो हम उस टाइम तो ब्लॉग ही नहीं बना रहे थे 2 महीना, तो उसी टाइम हम लोग ये फोटो भी दीदी का वहाँ से मंगवा लिए थे ना जी। यहाँ पर दीदी को पूजा करते हैं, यहाँ पर भगवान जी को पूजा करते हैं एक ही रूम में दोस्तों, इतना चीज एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो एक गरीब बेटी को अच्छे से आता है करना। तो चलिए पाजी और अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों चलिए हम आपको होम टूर दिखा दिया, छोटा सा होम टूर था और एक छोटा ही सा कमरा है दोस्तों, तो इसमें होम टूर की क्या बात है। और हो गया पार्क की बात, नीचे की बाहर की बात, तो वो तो रहते रहते धीरे धीरे आप लोग को सब चीज देखी दिखी जाएगा ना। और दोस्तों क्या बताए आप लोग को, कितने ना पता है कितने लोग कमेंट कर रहे थे ना कि निशा जी आप रूम चेंज कर लीजिए, तो आप क्या इस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं बता दो। इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ का माहौल पे भी जाते हैं, यहाँ माहौल थोड़ा ठीक है, और कहीं और जाएंगे तो थोड़ा दिल्ली में जानते हैं माहौल बहुत खराब, किराया भी बहुत ही बहुत 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 ज्यादा है। इसका कम से 2500 किराया दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग को मैक्सिमम बता दें। हाँ, बता और बिजली बिल सब चीज बता कर। और दोस्तों ये बात है ना, और पहली बात है ना कि यहाँ पर इस बहुत ज्यादा किराया भी है, रूम भी खोना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इतना संख्या है ना कमाने खाने वाला है कि कुछ कहने का नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को इतने तक रखता हूँ, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा एक छोटा सा वीडियो था, अगर आप लोग हमारे पर मेहरबानी होगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक को दबा दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।